आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा कि रोज़ाना हम एक सी सब्ज़ी खा खा कर उब जाते हैं, इसलिए आज मैं कुछ नया बनाने जा रही हूँ, जो कि प्याज टमाटर वाले बैंगन। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। प्याज टमाटर वाले बैंगन बनाने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको हम बताते हैं। ये हमने 250 ग्राम बैंगन लिया है। बैंगन आप जब भी लें तो हल्का लें, भारी ना हो। भारी बैंगन अच्छा नहीं होता, उसके अंदर बीज होते हैं तो वो टेस्टी नहीं बनता। हल्का होता है तो वो सही रहता है। 2 हरी मिर्चें, 1 प्याज, 3 टमाटर, 2 बड़े चम्मच तेल। ये हमने सरसों का तेल लिया है, हम सरसों के तेल में ही ये सब्ज़ी बनाएंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और आधी चम्मच नमक। सबसे पहले हम टमाटर, प्याज, हरी मिर्चों को काट लेते हैं और बैंगन को भी काटना है, लेकिन हम सबसे बाद में काटेंगे। पहले और सब्जियां काट लेंगे, बाद में काटेंगे, क्योंकि बैंगन काटने के बाद काला हो जाता है। काले बैंगन की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। आप सभी सब्जियों को इस तरह से मोटा मोटा काट लें। हमने तेज़ गैस पर एक पैन रख दिया है और इसमें ये सरसों का तेल जो लिया है ये हम डाल रहे हैं। करीबन आधे मिनट में हमारा तेल गर्म हो जाएगा। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम जीरा डालते हैं। हमारा जीरा हल्का सा सुनहरा हो गया है, अब इसके अंदर हम प्याज डाल देते हैं और गैस अपनी धीमी कर दें, क्योंकि हमें ये प्याज धीमी गैस पे ही भूननी है। पूरी नहीं भूननी, थोड़ी सी ही भूननी है। हमारी प्याज हल्की सी भून चुकी है, अब इसके अंदर मसाले डालते हैं। हरी मिर्च, हल्दी, मिर्च, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक। इनको भी हम मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं। मसाले हमारे हल्के से भून चुके हैं, अब इसके अंदर हम टमाटर डालते हैं। इन टमाटर को भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, ज़्यादा ना भूने। और अब इसके अंदर हम बैंगन डाल देते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बिल्कुल आराम से बन जाते हैं। अब इनको हम मिला लेते हैं। हमने अपनी सब्ज़ी मिला दी है, अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। गैस अपनी धीमी ही रखें। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से पक चुकी है या नहीं। हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार है। हमें अपनी सब्ज़ी इस तरह की ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं पकानी है। और ये जितनी बनने में आसान है उतनी खाने में ही भी स्वादिष्ट है। इसको हम बाउल में पलट लेते हैं। हमारी सब्ज़ी खाने के लिए तैयार है। खाना भी, खिलाना भी और कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।